साफ साफ मन से कहा और वो कैमरे पर रिकॉर्ड है कि कोई भी जनरल कैटेगरी का सवर्ण समाज का हो तो वो इस बैठक से निकल जाए। परमिंदर जी, ये आपने संगठन बनाया है और ये आपने क्यों कहा कि सवर्ण समाज के लोग निकल जाए? एक्चुअली में जो ADOM परिसंघ है ये साफ साफ जाहिर है कि दलित OBC और माइनॉरिटीज का ही प्रोग्राम है, तो बगैर बुलाए नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे दलित OBC माइनॉरिटीज़ की अधिकार की बात होनी है। और जिन लोगों ने भेदभाव किया दलित बैकवर्ड के साथ में, छुआछूत भेदभाव या शिक्षा से वंचित रखे, जिन लोगों ने बड़े व्यवस्था बनाई थी जिसकी वजह से हजारों वर्षों तक शिक्षा तो उन्हीं के पास, हम जानते हैं, सब लोग जानते हैं, इसीलिए हमने कहा कि आप कहाँ से हैं? आपका आप मैं बिहार से हूँ। अच्छा, बिहार से सिवान जिला से। तो क्या है आपका लक्ष्य, क्या है इस संस्था के जरिए? संवैधानिक जो हमारा हक है, जो भी बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में हमें राइट्स दिए हैं, जो अधिकार दिए हैं, वो हमें पूरा होना चाहिए, क्योंकि अभी तक पूरा हुआ ही नहीं। आप बताइए, आप OBC हैं, दलित हैं या माइनॉरिटी? मैं दलित समाज का। तो ये OBC के बीच कभी काम किया आपने? OBC सबसे बड़ा हिंदुत्व का बाहक है, जबकि उसके बड़े आइकोन हैं, फूले हैं, ज्योतिबा फूले हैं, परियार हैं, आपको बताया आपने, जगदेव प्रसाद है बिहार से। OBC में लगता है कि सुधार कितना काम हुआ और कितना काम? साक्षी है कि देश में जितने भी दलित बैकवर्ड समाज की लड़ाई थी OBC के नेता ही लड़े हैं, क्योंकि परिया रामास्वामी हो, ललई सिंह यादव हो या महात्मा ज्योतिबा राव फूले हो। आप बिहार से हैं, मैं भी बिहार से हूँ, बिहार में तो भाई साहब सबसे ज़्यादा बोलबम में नारा लगता है, सबसे ज़्यादा जो OBC समाज है, दलित समाज है, मैं किसी को बड़ी नहीं कर रहा हूँ, बहुजन आंदोलन की समझ मैं बिहार से भी खुद आता हूँ, हो सकती मेरी समझ गलत हो, लेकिन सबसे बुरी हालत है। एक्चुअली में पहले था, अब नहीं है, क्योंकि अब मिशन जो है गायब हो गया, पूरे देश से गायब हो गया। यही कारण है कि जो दलित और बैकवर्ड पॉलिटिक्स जो खतरे में आई है, सीधा उसका उदाहरण। अच्छा, एक ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, मैं उदित राज जी से पूछ ही लेता हूँ, मैं चूँकि छोटा पत्रकार हूँ डरता नहीं है। आपकी सरकार, आपके जो गार्जियन हैं, उनकी सरकार चल रही है, सांसद हैं, और सबसे ज़्यादा बहुजन समाज के लोग उसी सरकार से नाराज हैं, तो आपके नेता को इस्तीफा देना पड़ेगा? देखे हुए तो उदित राज जी बताएंगे क्या करना पड़ेगा, लेकिन दुखी तो वो भी उदित राज जी भी है, तो सारा SC ST का सांसद मुझे मिलता है भाई, वो कहता है कि क्या करो, डूब मरने की नौबत है। नहीं, हम तो आप लोग को क्या लगता है, क्या आगे की रणनीति क्या हो? सर देखो, उदित राज सांसद बन के जिस प्रकार बाबा साहब अम्बेडकर पार्लियामेंट में जा करके अधिकार की बात की, उदित राज जी BJP में रह करके पार्लियामेंट में भी आवाज उठा रहे हैं, और प्रति वर्ष 19 साल से रामलीला मैदान में, चाहे कोई भी सरकार। चलिए, मुझे खुशी मिली, बहुजन समाज राजनीतिक रूप से बहुत होशियार हो रहा है। बाबा साहब ने कहा था कि हम अछूत बना दिए गए हैं, पॉलिटिकल अनटचेबल नहीं होना चाहिए, राजनीतिक अछूत नहीं होना चाहिए, सब पार्टी।